हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज सिखाने जा रही हूँ एक और नई डिज़ाइन का डोरमेट। ये मैंने बना लिया है, सिर्फ इसमें दो कलियाँ मैंने मुझे बतानी है आपको। तो ये देखें, इसमें मैंने 37 फिंदे डाले हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देखें। और इसमें मैंने 37 फिंदे डाले हुए हैं। इस तरह से हमने फिंदे डाल लिए हैं। ये मैंने देखें तीन कलर से बनाया है। 8 नंबर की सिलाई यूज कर रही हूँ और एक कली मैंने सादा बनाई हुई है, एक कली में मैंने लाइनें बनाई हुई हैं। ये देखें इस तरह से। तो एक सिलाई निकालने के बाद एक इधर से एक उधर से, अब ये समझें कि हमने फिंदे डाले हुए हैं। तो पूरी रो हमें इसी तरीके से निकालनी है। अब हम फिंदे डालेंगे। आप इसको 47 फिंदे से भी बना सकती हैं, बड़ा बनाना चाहें तो। ये जैसे फटी पुरानी साड़ी से बनाना चाहें तो 37 फिंदे में बनाएं तो ये काफ़ी बड़ा बन जाएगा। अगर भूल से बना रही हैं तो 47 फिंदे से बनाएं। हमें पूरी रो इसी तरह से निकाल लेनी है। ये देखें पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली फिंदे डालने के बाद। अब यहाँ से देखें, एक फिंदे को हमने साइड से कम कर दिया, फिर हमने दो फिंदे बिन लिए। अब देखें लगातार, एक दो तीन चार पाँच। तो यहाँ पे मैंने पांच फिंदे कम कर लिए, एक इधर से कर लिए, तो छह फिंदे सीधी सिलाई में हमने छह फिंदे कम किए हैं। अब पूरी रो इसी तरह से बिन लेती हूँ, फिर आपको देखें उल्टी तरफ से। देखें हमने तीन फिंदे बिन लिए, अब यहाँ पे दो का एक, दो फिंदे बिने, फिर हम दो का एक करेंगे। दो फिंदे हमने उल्टी साइड से कम कर दिए ऊपर की तरफ से, और छह फिंदे हमने नीचे की तरफ से कम किए थे, तो टोटल 8 फिंदे कम हो गए। अब इसी सिलाई से हम 5 फिंदे नीचे की साइड से बगैर बुने हुए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखें 1 2 3, तो ये देखें 5 फिंदे हमने छोड़ दिए, सिलाई को यहीं से पलट लिया है। अब ऊपर तक इसी तरह से बनाना है। ये देखो 4 फिंदे फिर से छोड़ेंगे, पहले 5 फिंदे छोड़े, अब 4 फिंदे छोड़ेंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। ऊपर तक इसी तरह से बनाना है। अब देखें, अब हम 3 फिंदे छोड़ेंगे, तीन फिंदे छोड़ दिए। अब दो दो फिंदे ऊपर करते हुए, दो दो फिंदे, ये जो बचे हुए फिंदे हैं इनको हम दो दो करते हुए ऊपर तक जाएंगे। ये देखो दो दो फिंदे, इस तरह से हमें दो दो फिंदे छोड़ने हैं बगैर बुने हुए और सिलाई को पलटते जाएंगे। तो ऊपर तक इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, फिर आपको देखो हमने यहाँ से दो दो फिंदे छोड़ लिए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे ये 3 फिंदे बचते हैं, तो 3 फिंदे को नहीं छोड़ना है। अब देखो आगे हम किस तरह से बनाएंगे, ये देखें आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने ग्रीन कलर लगाया है, इसको इस तरह छोड़ देंगे, फिर ग्रीन कलर को इस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमें फिंदे बढ़ाने हैं, तो इसी तरीके से हमें फिंदे बढ़ाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फिंदे बढ़ा लिए। यहाँ से गिन लेना है, एक फिंदे से हमने बनाया था 1 2 3 4, तो इस तरह से हमें कर लेना है। आप बना लेंगे,
जो 8 फिंदे हमें कम किए थे वो 8 फिंदे हमें बढ़ा लेने हैं। अब सारे फिंदे ग्रीन हो जाएंगे इस तरीके से। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको बता। सारे फिंदे बिन लिए, अब इधर से भी हमें सारे फिंदे उल्टा उल्टा इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको आगे का बता। पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है, अब आगे देखें किस तरह से बनाना है। अब देखें ये वाला कलर लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ढीला रखेंगे इसको इस तरह से। दो बना लिए, ये देखें तीसरे फिंदे से हम इस तरह से करेंगे ताकि ये धागा दिखे नहीं। ये देखें बार बार हम तोड़ नहीं सकते हैं इसको, कट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा। ये देखें अब ये देखें धागा इधर आ गया। अब इसको हम इस तरह से कर लेंगे और सारे फिंदे बिन लेंगे। तो बिन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखें यहाँ से अब फिर से हम इस वाली पत्ती को दोहरे आएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे एक कम कर दिया और दो फिंदे इस तरह से बिन लिए। अब 10 फिंदों में हमें 5 फिंदे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 का 1 कर दिया हमने यहाँ पे, तो 5 फिंदे कम हो गए। पूरी रो हमें इसी तरीके से निकालनी है। देखें फिर से उल्टी तरफ से, अब यहाँ पे 3 फिंदे ग्रीन कलर से बुन लेंगे। ये देखें 3 बुन लिए, अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे फिर 2 फिंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे तो ऊपर की साइड पे मैंने 2 फिंदे कम कर लिए हैं और नीचे की साइड पे मैंने 6 फिंदे कम किए थे। तो इसी तरह से आपको बनाना है, 5 फिंदे छोड़ेंगे फिर 4 फिंदे छोड़ेंगे फिर 3 फिंदे फिर 2-2 करते हुए ऊपर तक आएंगे। तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, अंत में ये 3 फिंदे रह जाते हैं, फिर हम 8 फिंदे बढ़ाएंगे फिर इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये प्लान बनाया है, ये मैंने इसमें लाइनें बनाई हैं। तो ये देखें बन चुका है पूरा, आप देख सकती हैं। ये देखें इस तरह से इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब इसको किस तरह से उतारना है वो आप देख लें ताकि आप अच्छे से बना सकें। ये देखें अब ग्रीन है तो हम ग्रीन से बनाएंगे। इस तरीके से, इसी तरीके से आपको उतारना है, जो जैसा कलर है वैसा ही कलर लगाते जाएंगे और उतारते जाएंगे। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने उतार लिया है, अब मैं इसको सिलना बताऊंगी। तो सिलेंगे किस तरह से, ये देखें यहाँ पे हम 3 अंगूर छोड़ देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस तरीके से आपको सिल लेना है। तो सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है